86 for the EV, ride around my city. You should come right with me, yeah. Feel me if you hear me, sip water like a fish, sip out water to the gillies, yeah. मैं बैक साइड पर आया था सोचकर कि भाई साहब जाके एक छोटा सा ना ब्लॉग बनाते हैं, मतलब ब्लॉग की ना शुरुआत करते हैं, बट यहाँ पे तो ना भैया डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसके चक्कर से ना ब्लॉग यहाँ नहीं बनेगा। बट बता देते हैं कि ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, छोटे मोटे सिनेमैटिक्स हमने बनाए हैं, अब सिनेमैटिक्स एंजॉय करो और हम इसके ऊपर आगे का मोटो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि भाई साहब आपके सामने इतनी प्यारी इतनी ब्यूटीफुल बाइक है ना, तो क्या मतलब मेरा मन नहीं करेगा, मेरा क्या किसी का भी यार, जिसके पास ऐसी बाइक होगी ना उसका मन कैसे नहीं करेगा बाइक को राइड करने का, भले चाहे जितनी मर्जी वाली गर्मी हो। जबकि तो हमारी बाइक भी बहुत ज़्यादा वाली हीट मारती है, बट स्टिल अपने को ना यार बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आता है इस बाइक के ऊपर राइड करने का, क्योंकि ये ब्लैक ब्यूटी है ही बहुत ज़्यादा वाली ब्यूटी। साथ के साथ इसके अंदर ये जो एग्जॉस्ट वाले पाइप्स लगे हुए हैं ना, ये तो भाई साहब तबाही है, तबाही 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 बाइक है, तबाही। हाँ जी ठीक है, ब्लॉग बनाते हैं, मोटो ब्लॉग। मैं देख रहा हूँ कि बीच बीच में से ना डिस्टर्बेंस कम भी हो रही है, तो मैंने कहा चलो फटाफट बताते हैं कि देखो यहाँ पे ना 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 स्पीकर्स लगे हुए हैं ना, इससे क्या भाई साहब म्यूजिक का साउंड आता है, बहुत बढ़िया वाले स्पीकर्स हैं। और उसके बाद ये जो लाइट्स लगी हुई हैं वो तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा वाली अल्टीमेट लाइट्स हैं। देखो 2 लाइट्स ये लगी हैं, ये वाली भी लाइट है, ये भी फॉग लाइट्स हैं, तो आगे से बाइक की लुक बहुत ही कतल बहुत ही धांसू वाली लुक है। और साथ के साथ जो इसके अंदर जो टायर डला हुआ है ना, ये तो भाई साहब बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही लाइक हैवी सा टायर डला हुआ है, काफ़ी मोटा टायर है। पता नहीं मेरे को कि बाकी की हार्लेस के अंदर भी जो ये वाले मॉडल्स होते हैं उनके अंदर इतना हैवी टायर होता है कि शायद इसके अंदर दलजीत पाजी ने डलवाया हुआ है। सिंह मोटरसाइकल्स, हार्ले डेविडसन और साथ में यहाँ पे ना 2 निशान साहब लगाए हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऊपर से ये जो सीट है ना, ये तो भाई साहब बहुत ही कम्फर्टेबल है सच्ची में, और वैसे भी बाइक बहुत ही कम्फर्टेबल है यार, बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो ठीक है, मोटो ब्लॉग करते हैं, और ये सारी बातें ना अब ब्लॉग में नहीं करेंगे, अब और बातें करेंगे। डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई। वैसे तो बाइक के ऊपर बहुत ही सारी वाली एसेसरीज लगी हुई है, बट यार देखो मेरे को पूरी चीज़ों की ना डिटेल पता नहीं है, बट जो जो चीज़ें मेरे को दिख रही है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो फुट पैड्स है ना, ये भी भाई साहब अलग से लगाए हुए हैं और बहुत सारे वाले लगे हुए हैं, मतलब 3-4 ऑप्शन हैं इसके अंदर पैर रखने के अलग अलग तरीके से। तो सही है जी, सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही हटके बाइक है, और मेरे हिसाब से ना ये ओनली 1 इन इंडिया होगी जो इस तरीके से मॉडिफाई हुई हुई है ये वाली बाइक इंडिया के अंदर। हाँ जी, और ये भी जगह मोबाइल वगैरह रखने के लिए या सन ग्लासेस वगैरह रखने के लिए, की वगैरह रखनी हो तो उसको भी रख सकते हैं, और साथ के साथ ये विंडशील्ड भी लगाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें यार बहुत ही कमाल की, बहुत ही अल्टीमेट है। बाकी यहाँ से चलते हैं फटाफट से, ठीक है जी, स्टैंड ऊपर कर लेते हैं। और जो इसका स्टैंड है ना, जिस टाइम पे हम बाइक को रोकते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, उस टाइम पे जब स्टैंड को लगाना होता है ना, तो वो चीज़ बड़ी ध्यान से रखनी पड़ती है। तो उस टाइम पे ना बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि भैया स्टैंड ढंग से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर 1% स्टैंड ढंग से ना लगा हुआ ना, तो बाइक के गिरने के पूरे चांसेस हो जाएंगे, और अगर बाइक गिर गई तो भाई साहब मतलब तगड़ा वाला नुकसान हो सकता है। और अगर नुकसान हो गया तो भाई साहब दलजीत पाजी को इतना ज़्यादा वाला दुख नहीं होगा जितना ज़्यादा दुख मेरे को होगा। ये देखो कितना प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा बेबी है, और कितना ही प्यारा लग रहा है यार ये बेबी, है ना जी। बाकी देखो दिल्ली के अंदर यार धूप बहुत ज़्यादा वाली हो चुकी है, तो दिन के टाइम पे तो ना देखो राइड वगैरह होती नहीं है, और रात के टाइम पे जब हमने राइड करनी होती है ना, तो उस टाइम पे ना हम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। ब्लॉग इस चक्कर से नहीं बनाते हैं कि रात के टाइम पे ना ज़्यादा मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। ओहो मज़ेदार मज़ेदार, मतलब मैं इस बाइक की ना जितनी मर्जी तारीफ कर लूँ, जब मैं व्लॉग बनाता हूँ या जब मैं व्लॉग नहीं भी बना रहा होता ना, एंड जिस भी टाइम पे ना मैं बाइक की ना राइड को एंजॉय कर रहा होता हूँ ना, भाई साहब सरदार जी बिना देखे गाड़ी मोड़ दी आपने। ये तो शुक्र है कि मेरा पूरा ध्यान था आपके ऊपर, मुझे लग ही रहा था कि आप गाड़ी ना बिल्कुल आगे ले आओगे, बट चलो बाबा जी का शुक्र है कि मेरा पहले से ही ध्यान था और मैंने ध्यान रखा, और उन्होंने जैसी गाड़ी मोड़ी मैंने ब्रेक मार ली, और मैं ये चीज़ मैं जो बात अपनी बोल रहा था ना यार, मैं वो बात तो मैं अपनी भूल ही गया, बट चलो कोई चक्कर नहीं है, याद आएगी तो फिर से बता देंगे। हाँ यही बात बोल रहे थे कि भाई साहब हम बाइक जब भी चला रहे होते हैं ना, चाहे हम उस टाइम पे ब्लॉग बना रहे हो या ना बना रहे हो, अपने को ना बाइक इस बाइक को राइड करने में ना बहुत ही ज़्यादा वाला मज़ा आता है। ओहो क्या ही बात है, बम है जी बम है, बहुत ही खतरनाक वाली बम है जी। जब बाइक चल रही होती है ना उस टाइम पे ना बड़ी सही वाली हवा लग रही होती है ना, तो बिल्कुल भी ना मतलब गर्मी नहीं लगती है। वैसे ऊपर से गर्मी पड़ रही है, सूरज फुल स्पीड पर है, सही है। अभी तो देखो सारे ना आवाज़ सुन रहे हैं बेसिकली बाइक की। जब हम गाना वगैरह चलाएंगे ना सिद्धू मूसे वाले का, फिर तो और ज़्यादा वाला मज़ा आता है एक्चुअली में। बट यार कॉपीराइट आ जाएगा ना यार, तो क्या करें, और ब्लॉग बनाए, गाना सुने, गाना सुनाए, या फिर खुद इंजॉय करें या आपको इंजॉय कराए, मतलब बहुत सारी वाली बातें दिमाग में रहती है ना जी। तो इस करके सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑल एंड ऑल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना इस बाइक का। ये अपने पास आई हुई है दलजीत पाजी की तरफ से, जो अपने बहुत ही प्यार वाले हैं। सो थैंक यू हमारे दलजीत पाजी का अगेन एंड अगेन। जितना थैंक यू करूं उतना कम है, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से ही ना अपन ये सारे काम और सारी चीज़ों में एंजॉय कर पाते हैं। इनफैक्ट कि जब मैं संडे राइड भी करता हूँ ना, तो उस टाइम पर भी ना उनका काफ़ी ज़्यादा वाला मेरे को सपोर्ट रहता है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर ना यार मैं बहुत ही ज़्यादा वाला खुश रहता हूँ, बिकॉज बंदा डाउन टू अर्थ है। हाँ जी, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है दलजीत पाजी की भी, और दलजीत पाजी की बाइक की भी, और साथ के साथ आपकी भी। आपकी इस करके क्योंकि यार आप लोग ना वीडियो को लाइक कर देते हो, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देते हो। आप लोगों के कमेंट पढ़ के अपन को मोटिवेशन मिलती है, और अगर आप कमेंट नहीं करते हो ना तो भैया हम सच्ची में डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो यार प्लीज़ कमेंट तो यार ज़रूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स के बिना हम कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ऑल एंड ऑल आप सबका साथ है तभी अपना विकास है। हाँ जी, है ना जी। ओहो, मैंने संडे राइड ना वैसे मिस कर दी एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा वाला थक जाता हूँ यार सारा दिन काम कर करके, तो बीच बीच में ब्लॉग भी बनाना होता है, और उसके बाद रात को जब टाइम मिलता है तो बैठ के वीडियो भी एडिट करनी होती है। बट एक दो दिनों से तो मैं कोई वीडियोस वगैरह मैं एडिट कर ही नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे जो ब्लॉग्स हैं ना वो लेट आ रहे हैं। ब्लॉग में शूट साथ के साथ कर देता हूँ, बट वो आते 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट आते हैं। कभी कभी तो 1-1 हफ्ता पुराना ब्लॉग आता है। बट क्या करें यार, साथ के साथ ना अपना बिजनेस भी देखना होता है, और ये अपने पैशन को भी ना हम फॉलो करने की पूरी कोशिश कर ही रहे होते हैं। सो यही वाला सीन है जी। बाकी यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वाला ना, तो ना बाइक ढंग से चल नहीं पा रही है। पहले गेयर दूसरे गेयर, पहले गेयर दूसरे गेयर भी चल पा रही है। तो यार अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना अभी अपने काम पे वापस जा रहा हूँ, तो रात को थोड़ी देर के लिए राइड कर लेंगे, और रात को ना कोशिश करूँगा कि छोटा मोटा ना ब्लॉग बना लूँ। ज़्यादा बड़ा वाला ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, बाइक के साथ भी और अपने साथ भी, और सारी चीज़ों के साथ, अपनी इज्जत के साथ भी बेसिकली। भाई मेरे चैनल का नाम है दमन सेठी के नाम से है। हाँ, दमन सेठी के नाम से है। तो सही है बाइक ये वाली, बहुत बढ़िया है। भैया को भी ना ये वाली बाइक पसंद आ गई है, क्या बात है। अपनी भी फेवरेट है यार ये। हाँ जी, सो यार कल तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा वाला बिजी था, सारा दिन ना मेरे को टाइम नहीं मिला। ओहो, गाना चल रहा है यार, थोड़ा सा ना गाना पहले 2 मिनट के लिए रुकते हैं और बात बताते हैं पहले आपको। एक्चुअली मैं कल मैं बहुत ज़्यादा वाला बिजी था, सो मैं यार कल ना इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। और आज का जो अपना सीन है ना, मेरे को इस बाइक को लेकर जाना है डिटेलिंग के लिए। यहीं पर पास में एक डिटेलिंग का स्टोर है, तो वहाँ पर इस बाइक को लेकर जाना है, डिटेलिंग वगैरह करवानी है। तो आपको साथ लेके चलते हैं और छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। बट अभी ना हम आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे ना थोड़े से ना यार जरा टशन मार लें, गाना गुना तो चला लेते हैं यार, फिर यहाँ पे निकल के ब्लॉग आगे कंटिन्यू करें। चलो यार गाने को बंद करते हैं और आगे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यार देखो आप लोगों के साथ भी तो बातें वगैरह करनी है ना, और आपको बताना है कि देखो अभी का जो सीन है वो यही है। मैं बता चुका हूँ कि इस बाइक को मैं लेके जा रहा हूँ डिटेलिंग करवाने के लिए, पास में एक डिटेलिंग का स्टोर है वहाँ लेके जाना है। और उसके बाद क्या होगा, मैं इस बाइक को वहाँ पर ना छोड़ दूंगा और मैं आगे निकल जाऊंगा अपने काम करने के लिए। और हो सकता है कि ये बाइक मेरे को ना आज शाम को वहाँ से वापस मिल जाए, तो रात को, या फिर कल सुबह मिलेगी। और जब मेरे को कल सुबह मिलेगी तो उसके बाद ना हम बाइक को वहाँ से पिक करेंगे, पहले अपने घर पे ले आएंगे, थोड़ी देर बाइक के मज़े वगैरह और लेंगे, और फिर उसके बाद ना रात को ना दलजीत पाजी को ना मिलने का सीन है। तो इन बिटवीन कहीं पर भी मिल कर ना दलजीत पाजी की बाइक उनको विद रिस्पेक्ट, विद थैंक यू, विद लव उनकी बाइक उनको वापस कर दी जाएगी। तो यही वाला जी सीन है। और रखने को तो ना मैं बाइक को ना अभी और भी लंबा रख सकता हूँ। दलजीत पाजी ने तो अपनी तरफ से ना बोला हुआ है कि भाई तू 20-25 दिन के लिए बाइक को रख ले। यार मेरे को भी काफ़ी टेंशन है, जबकि ना इसको ना बड़े अच्छे तरीके से बड़ी सही जगह पे पार्क करके रखता हूँ। और जहाँ पे पार्क करता हूँ ना वहाँ पर ना मैंने CCTV, वहाँ पे ना अपने CCTV कैमराज भी लगे हुए हैं, और साथ के साथ ना उस गेट को ना बहुत बड़ा वाला और बहुत बढ़िया वाले ना लॉक्स वगैरह भी लगे हुए हैं, कि मतलब ना कोई उस गेट के अंदर आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। साथ के साथ CCTV कैमराज भी लगे हुए हैं। बट फिर भी यार देखो किसी और की चीज़ है तो उसके पास टाइम से वापस पहुंच जानी चाहिए। एंड उन्होंने मेरे को दी है थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, तो यार मतलब मेरा भी बनता है कि अपना एक लिमिट में रह के ना यार मतलब एंजॉय करके अगले की चीज़ सही सलामत उसको वापस कर दी जाए, सो दैट कि यार प्यार बना रहे। नहीं जब मर्जी उसको जहाँ से मर्जी लेके निकल लो। बड़े ही तगड़े तगड़े ना पब्लिक के रिएक्शंस आते हैं, हर बंदा गर्दन घुमा घुमा के देख रहा है यार, मतलब ऐसे वाले ना रिएक्शंस की ना मेरे को सच्ची में आदत नहीं है। ओके सर, ओके ओके, मैंने कहा जाना कहाँ पर है थोड़ा बता ही दो यार। ओके मेरे को यहाँ जाना है, ठीक है। मैं बता रहा था भाई साहब बहुत तगड़े तगड़े रिएक्शन आते हैं, मैं जहाँ से मर्जी लेके निकल जाऊँ, जब मर्जी लेके निकल जाऊँ, भले हम सॉन्ग्स वगैरह को सुनते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हो, बड़े हो बुजुर्ग हो बच्चा हो आंटी हो अंकल हो, मतलब कोई भी यार हर बंदा बाइक को देखता है और हर बंदा यही बोलता है कि सर आपके पास ये जो बाइक है ना, ये बाइक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है भाई साहब। मतलब फिर उस टाइम पर ना बड़ा अच्छा वाला फील होता है, बड़ा सही लगता है यार, अपने पास इतनी प्यारी वाली चीज़ है जिसके ऊपर हम घूम फिर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड जी सो ऑल थैंक यू टू दलजीत पाजी। बाकी यार बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है, हल्की सी रेस देती है ना उड़ते हुई रोड के ऊपर जाती है, बट यार इसकी ना जो ब्रेकिंग है ना वो भी बहुत सही वाली है, तो मतलब थैंक यू है कि इसकी यार जो ब्रेकिंग है ना वो बहुत सही है। अपने को ना इस बाइक पे ना बहुत ज़्यादा वाला कॉन्फिडेंस हो चुका है, मतलब जब मैं फर्स्ट डे लेकर आया था ना उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा वाला डर रहा था, धक धक हो रही थी कि यार बहुत भारी बाइक है एंड मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी उस टाइम पर। बट अब तो ऐसे हो गया कि भाई साहब ट्रैफिक भी होगा ना उसके बीच में से भी ना मैं झुक करता हुआ ना निकालता हुआ ले जाऊँगा, मतलब इतना ज़्यादा वाला ना इस बाइक के साथ मेरा कॉन्फिडेंस खुल गया और मैं खुल के इसको चला सकता हूँ। बट फिर भी ना हिसाब से चलाएंगे, पंगा नहीं लेंगे, प्यार से चलाएंगे यार, प्यार से, है ना जी। और मैं प्यार से ही चलाता हूँ बेसिकली। ओहो आवाज़ क्या मस्त है, ओहो क्या ही बात है। कभी यार अगर इसको चलाना हो तो बंदा कैसे चला सकता है यार, वो अंदर लेटे हुए हैं। अच्छा वो राउंड दे देते हैं राउंड दे देंगे, सही बताओ पूछूं यार एक बार यार मैं। बाकी यहाँ पर ना मैंने बाइक देनी थी, बाइक मैंने यहाँ पर दे दी है डिटेलिंग के लिए, डिटेलिंग स्ट्रीट पे, और भैया ने मेरे को ना शाम को बुलाया है, शायद आज शाम को मिलेगी या फिर कल को मिलेगी, जैसे भी मिलेगी ना यार बता देंगे। क्या बात है, तू सही मज़े ले रहा भाई, मज़े क्या ले रहा। अच्छा और अभी अपना सीन है, मेरे को जाना है पुरानी दिल्ली वाली साइड पे, बहुत ज़्यादा वाले ज़रूरी वाले घर वालों ने काम थोप दिए मेरे पे, तो यार मेरा कैमरे में बता नहीं देता क्या काम है, बट काम बहुत ज़्यादा वाले ज़रूरी है, तो वो काम निपटाने के लिए चांदनी चौक वाली साइड पे जाते हैं, ठीक है। ऐसी जीत बचा है जिंदगी है।